नमस्कार, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है राकेश। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप पेपाल अकाउंट यूज कर सकते हो, यानी पेपाल में आप कैसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे पैसा विदड्रॉ कर सकते हो, कैसे बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, कैसे आप आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप ऐड कर सकते हो। तो उसका बारे में इस वीडियो में मैं फुल बताऊंगा डिटेल्सली, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेपल ऐप्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख पा रही है सेंड और रिक्वेस्ट है, यानी आप मनी सेंड भी कर सकते हो और मनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो इससे पहले आप देख पा रहे हैं मैं ऑलरेडी पैसा विदड्रॉ कर चुका हूँ इसमें से, तो आप भी विदड्रॉ कर पाएंगे। ये प्रोसेस मैं बता दूंगा, आप देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। तो आप देख पा रहे हैं मैं सेंड में डाल के मेरे को चेक करके देख रहा हूँ आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो पैसा। और ये भेजता क्या है आपको, इसके लिए आपको कार्ड जो रहता है वो आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं मैनेज में जाके फिर एक बार देखा देता हूँ, फिर से मेरा लास्ट जो ट्रांजेक्शन है यही है, ठीक है, 3600 समथिंग है और मेरा $46 पेमेंट हुआ था, रिसीव हुआ था। तो उसको मैं विदड्रॉ किया है कैसे, और इसका जो प्रॉब्लम फेस किया था उसी के बारे में हमें भी बताएंगे इस वीडियो में, क्यों मैं SBM बैंक को ही ऐड किया है। पहले मैं दूसरा बैंक ऐड किया था, उसको हटा दिया, ठीक है। तो उसको किस कारण हटाना पड़ा मैं बताएंगे। और देखिए मेरा वीसा कार्ड है, ये मैं ऐड करा चुका हूँ क्योंकि इसको पेमेंट करने के लिए, दूसरा कुछ काम करने नहीं है। और SBM जो बैंक है इसको कॉन्फर्म बैंक जो लिखा आ रहा है, तो ये मैं कॉन्फर्म बैंक नहीं किया। क्यों नहीं किया और क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब इसमें कॉन्फर्म करने जाएंगे तो उसमें पहले पासवर्ड चाहिएगा आपको। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अकाउंट का पासवर्ड डाल के आपको एंट्री करना पड़ेगा। और इसमें शायद आपका कोई स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा, ब्लैक जैसा आएगा, ठीक है। देखिए ब्लैक आ गया है, तो इसमें क्या है आपको पैसा ऐड करने बोलता है, ठीक है। स्मॉल डिपॉजिट यानी 2 रुपीज या 3 रुपीज का समथिंग ऐड करने बोलता है आपको, ठीक है। तो आपको ऐड कराना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें ऐड करने के लिए आपको कुछ ऐड नहीं होगा बैंक की तरफ से, ठीक है। तो पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें बैंक अकाउंट ऐड कैसे करें। तो आप देख पाते बैंक अकाउंट्स एंड कार्ड के बाजू में प्लस है, प्लस में जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप देख पाते दो ऑप्शन है, एक है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड और दूसरा है बैंक अकाउंट। तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हो कार्ड नंबर डाल के, नाम डाल के, और दूसरा है बैंक। बैंक में जाकर जब क्लिक करोगे तो आपको वेबसाइट में जाने को बोलेगा क्योंकि इसमें एप्स के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा। तो वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको पासवर्ड पूछेगा आपका अकाउंट का, पेपल अकाउंट का। तो इसमें आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, मैं डाल रहा हूँ पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड डाल दिया है और लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आप देख पा रही है ये सामने जो है दो तरह का ऑप्शन है, एक IFSC कोड डाल सकते हो और एक बैंक नेम एंड लोकेशन सिलेक्ट करके भी आप ऐड कर सकते हो बैंक डिटेल्स। लाइक आप देख पा रहे हो, पहले मैं आपको बोल देता हूँ IFSC जो कोड है उसके बारे में, क्योंकि IFSC कोड में जाके आप इसमें IFSC कोड डालेंगे आपका बैंक का, जैसे बैंक पासबुक में होता है वो आप IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद आपको इसमें बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा आपका, बैंक जो अकाउंट किस नंबर है, कौन सा नंबर है अकाउंट नंबर, वो डालना पड़ेगा। और उसके नीचे आपको आपका नाम डालना पड़ेगा, कौन सा होल्डर बैंक होल्डर का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है आपका बैंक लोकेशन है, उसमें जाके आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक बैंक का नाम डाल के आप जो ऐड करना चाहते हैं वो डालिए। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको शहर जो सिटी है सिटी को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। जब लोकेशन सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक उसी लोकेशन का जो IFSC कोड है बैंक का वो आ जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर नहीं आता है, सब नहीं आता है क्योंकि ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, हज़ारों के ऊपर होता है, ठीक है ऑप्शन। तो आपको IFSC कोड से बेटर है, तो आपको ऐसे देखिए आप जब ऐड कराएंगे तो ऐड हो जाएगा बैंक अकाउंट। ऐड होने के बाद आप देखते हैं कॉन्फर्म बैंक है, ये आपको नहीं कराना है क्योंकि इसमें आप कराने का जरूरत ही नहीं है। जब कराएंगे नहीं कराएंगे तो भी आपको
यानी 2 या 3 दिन के अंदर आपका बैंक में पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बताइए कमेंट में कौन से तरह का वीडियो आपको चाहिए। तो तब तक के लिए बाय, जय।